आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे टैप संबंधी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में शुरू से आखिर तक। यहाँ मैं आपको टैप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं और सीखते हैं टैप के बारे में कि टैप किस प्रकार से हमारा ये काम करता है। यहाँ पर शीट बनी हुई हैं, इन शीटों को आप रीनेम भी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, प्रोटेक्ट शीट भी कर सकते हैं इनको। ये सारी चीज़ें अभी आपको इस वीडियो में बताएंगे। यह हमारे सामने एक नंबर से लेकर के 14 नंबर तक की शीट दी गई है। अब मुझे यहाँ पे 15 नंबर की शीट क्रिएट करनी है। तो सिर्फ आपको साइड में यहाँ पे माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करना है एक बार। यहाँ पे 15 नंबर की शीट क्रिएट हो चुकी है। अब इसी प्रकार से अगर इस शीट को आपको डिलीट करना है, मान लीजिए मुझे 14 नंबर की शीट को यहाँ से डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए माउस का आपको राइट बटन प्रेस करना होगा और यहाँ डिलीट वाले ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगी, यहाँ पे डिलीट वाला ऑप्शन है, इस पर माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे तो ये जो आपकी शीट थी 14 नंबर की डिलीट हो चुकी है। यह हमारे सामने कुछ शीट दी गई हैं और इन शीटों में से किसी भी शीट को आपको रीनेम करना है तो उस शीट पे आप जाइए, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस कीजिए और फिर से माउस का राइट बटन प्रेस कीजिए। एक विंडो ओपन होगी और यहाँ पर रीनेम वाला ऑप्शन है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, जो भी आपको नाम लिखना है। मान लीजिए मैंने यहाँ राम के नाम से ये शीट चेंज की है, तो यहाँ पर राम के नाम से ये शीट बन करके तैयार हो गई। फिर से माउस का राइट बटन प्रेस कीजिए। अब इसका अगर कलर चेंज करना है, यहाँ से इसका टैब कलर चेंज करना है, तो यहाँ से इसका कलर भी चेंज आप कर सकते हैं ऐसे। अगर आप इस शीट को 15 के पास में लेकर आना चाहते हैं, 15 नंबर जो शीट है इसके पास लेकर आना चाहते हैं, तो माउस का यहाँ पर राइट बटन प्रेस कीजिए और यहाँ पे मूव और कॉपी, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में जाइए आप 15 नंबर शीट पे और यहाँ ओके बटन को प्रेस कर दीजिए। तो देखिए ये 15 नंबर शीट के पास में आ चुकी है। ऐसे आप 15 नंबर शीट के पास में लेके आ सकते हैं। इसको फिर से आपको 5 नंबर शीट के पास में लेके जाना है। फिर से माउस का राइट बटन प्रेस कीजिए, मूव और कॉपी, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे 5 नंबर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ओके बटन को प्रेस कर दीजिए। देखिए 5 नंबर के पास में ये जो शीट है पुनः आ चुकी है। अब ये शीट नंबर 1 है और इसमें कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे कंप्यूटर, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, यूपीएस और एलईडी, यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए हैं। अब इन नंबरों में हम चाहते हैं कोई भी फेरबदल ना करें, यानी इनमें कोई चेंजिंग ना करें, तो इसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक है। सबसे पहले माउस का राइट बटन प्रेस कीजिए, प्रोटेक्ट शीट वाले ऑप्शन पर जाइए और यहाँ पर पासवर्ड आप लगा दीजिए। मान लीजिए आपने ये पासवर्ड लगा दिया है, ओके बटन को प्रेस कीजिए। फिर से पासवर्ड मांगेगा, फिर से वही पासवर्ड आपको टाइप करना है, ओके बटन को प्रेस कीजिए। अब आप जब भी कोई भी चेंजिंग करना चाहें, कोई भी व्यक्ति आपकी शीट में चेंजिंग करना चाहेगा तो चेंजिंग नहीं कर सकता जब तक कि उसको पासवर्ड मालूम न हो। अगर आपको इस शीट में कुछ भी चेंजिंग करनी है तो आपको पासवर्ड टाइप करना ही होगा। जो पासवर्ड इसमें लगा हुआ है वही टाइप करना होगा। यदि आपको पासवर्ड याद नहीं रहता है तो ये शीट कभी भी ओपन नहीं होगी। इस वजह से आपको इस शीट में दिया गया पासवर्ड पहले लिख लेना है कहीं भी, और उस पासवर्ड को आप याद रखिए। जब भी आपको इसमें कुछ करेक्शन करना हो, कुछ नया लिखना हो, तो आप उस पासवर्ड को पहले टाइप कीजिए। अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप माउस का राइट बटन प्रेस कीजिए और यहाँ से प्रोटेक्ट शीट वाले ऑप्शन पर जाइए, वही पासवर्ड यहाँ पर टाइप कर दीजिए, ओके बटन को प्रेस कीजिए। अब यहाँ मैं 23 नंबर की जगह पे 85 नंबर टाइप कर देता हूँ। ऐसे आप कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं। 20 की जगह पे यहाँ पे 40 लिख देते हैं। कहीं भी आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पूरी शीट पर आप कहीं भी लिख सकते हैं। यदि आपको पासवर्ड मालूम नहीं है तो आप इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं कर सकते। आपको पासवर्ड को लिख करके रखना है, जब भी आपको आवश्यकता हो पासवर्ड टाइप कीजिए और इसमें चेंजिंग आप कर लीजिए। अब यहाँ से हम किसी भी शीट का कलर चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करने के लिए मान लीजिए मुझे शीट नंबर 1 का ही कलर चेंज करना हो, माउस का राइट बटन प्रेस कीजिए, टैब कलर पर जाइए, यहाँ पर ये टैब कलर वाला ऑप्शन है और यहाँ से आप कोई भी टैब कलर चूज कर सकते हैं। इस पे माउस का लेफ्ट बटन प्रेस कीजिए और यहाँ पे टैब का कलर चेंज हो चुका है। ऐसे ही आप मान लीजिए शीट नंबर 4 का कलर चेंज करना चाहते हैं, माउस का राइट बटन प्रेस कीजिए, टैब कलर वाले ऑप्शन पे जाइए और यहाँ से आप कलर चेंज कर दीजिए। तो किसी भी शीट का, कितनी भी शीट हो, सभी का कलर चेंज आसानी से हो जाएगा। यह हमारे सामने ये शीट दी गई है, इसमें से मान लीजिए मुझे ये राम नाम की जो शीट है इसको मुझे हाइड करना है। इसके लिए बहुत आसान ट्रिक बता रहा हूँ। सबसे पहले माउस का राइट बटन प्रेस कीजिए और इसके बाद में हाइड वाले ऑप्शन पर जाइए।
जैसे ही आप इस बटन पे माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे, ये सीट यहाँ से हाइड हो जाएगी, डिलीट नहीं होगी, ये सीट यहाँ से हाइड होगी यानी छुप जाएगी। अगर आप इसको फिर से देखना चाहते हैं तो फिर से आप माउस का यहाँ पे राइट बटन कीजिए, अनहाइड वाले ऑप्शन पे जाइए। जैसे ही आप माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे और राम, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि राम नाम की जो सीट है ये यहाँ से हाइड है, और एक नंबर की यहाँ पे सीट, दो दो सीटें यहाँ से हाइड हैं। तो सबसे पहले मैं राम नाम की जो सीट है इसको यहाँ से अनहाइड करता हूँ। इसको सबसे पहले सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करने के बाद में ओके बटन को प्रेस कीजिए तो राम के नाम की जो फाइल थी फिर से शो होने लग जाएगी। इसको मैंने अनहाइड कर दिया है। इस प्रकार से आप सीट को हाइड और अनहाइड भी आसानी से कर सकते हो। अब मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि आपको यदि सभी शीटों पर कुछ लिखना है, एक साथ कुछ लिखना है कि एक शीट पर लिखा जाए और सभी शीटों पर टाइप होकर के ऑटोमेटिक आ जाए, तो ये ट्रिक बहुत ही काम की ट्रिक है। इस ट्रिक को आप देखिए, सबसे पहले आपको माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करना है, यहाँ पे एक खिड़की ओपन होगी और यहाँ पे सेलेक्ट ऑल शीट वाला जो ऑप्शन है इस पे आपको माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करना है। यदि आपने ऐसे माउस का लेफ्ट बटन प्रेस किया तो सभी शीट यहाँ से सेलेक्ट हो जाती हैं। अब यहाँ कुछ भी आप टाइप कीजिए, यहाँ मैंने टाइप किया मोहन इज ए गुड बॉय, पहले नंबर की शीट, ये 3 नंबर शीट पे मैंने टाइप किया है। यहाँ पे देखिए शीट नंबर 11 है, यहाँ पे भी लिखा हुआ मोहन इज ए गुड बॉय। ये आपका राम है, यहाँ पे भी देखिए लिखा हुआ है शीट नंबर 4, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, 2 नंबर शीट है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, 7 नंबर पे भी लिखा हुआ है, इसी प्रकार से 8 नंबर जो शीट है इस पे भी, 9 नंबर शीट पे भी। देखिए आप ऐसे देखते चले जाइए, सभी शीटों पे वही लिखा होगा जो मैंने पहले लिखा था, मोहन इज ए गुड बॉय, पहले नंबर की शीट पे जो लिखा था सभी शीटों पर वह लिख करके आया। बहुत ही आसान ट्रिक के साथ मैं आपको बताया है। अब यहाँ फिर से देखिए, 3 नंबर वाली शीट है उस पर माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करना है, इसके बाद में माउस का राइट बटन प्रेस करना है, सेलेक्ट ऑल शीट इस पे। अब यहाँ पे सारी सीटें सेलेक्ट हो गई हैं। सेलेक्ट होने के बाद में मान लीजिए मुझे यहाँ पे राम लिखना है, यहाँ पे मैंने लिखा राम। अब 11 नंबर शीट पे देखिए राम लिखा हुआ है, ये यहाँ पे राम जो सीट थी राम के नाम की उसी पे भी राम लिखा हुआ है, 4 नंबर सीट पे, 2 नंबर सीट पे, 7 नंबर पे, 8 नंबर पे, सभी सीटों पे यहाँ राम लिखा हुआ आ जाएगा। 15 नंबर सीट देखिए सबसे लास्ट में, इस पे भी राम लिखा हुआ है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको टैप शीट के बारे में बताया कि टैप शीट किस प्रकार से कार्य करती है, कैसे इसको इंसर्ट किया जाता है, कैसे इसको डिलीट किया जाता है, रीनेम कैसे करते हैं, मूव कैसे कराते हैं, प्रोटेक्ट शीट कैसे किया जाता है, सेलेक्ट कैसे की जाती हैं ये शीटें। तो ये सारी जानकारी आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से दी है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।